कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है। डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है, लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहां जहां से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। मैं फिर कह दूं, प्रवासी हमारे प्यारे हैं, हम भी देश में जाकर प्रवासी हैं। बहुत सारे पंजाबी बाकी देश में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर से आकर हमारे पंजाब में काम करते हैं। उन्होंने राजमिस्त्री, फैक्ट्रियों में, कहाँ कहाँ बहुत अच्छा काम, और खेतों में हमारी खेती को उन्होंने कामयाब किया है। सो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि केजरीवाल जैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर मत देखें। ये लोग पंजाब में अराजकता फैलाने आए हैं और प्रवासी पंजाब में विकास के लिए आता है। धन्यवाद। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है। डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है, लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहां जहां से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। मैं फिर कह दूं, प्रवासी हमारे प्यारे हैं, हम भी देश में जाकर प्रवासी हैं। बहुत सारे पंजाबी बाकी देश में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर से आकर हमारे पंजाब में काम करते हैं। उन्होंने राजमिस्त्री, फैक्ट्रियों में, कहाँ कहाँ बहुत अच्छा काम, और खेतों में हमारी खेती को उन्होंने कामयाब किया है। सो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि केजरीवाल जैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर मत देखें। ये लोग पंजाब में अराजकता फैलाने आए हैं और प्रवासी पंजाब में विकास के लिए आता है। धन्यवाद। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है। डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है, लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहां जहां से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। मैं फिर कह दूं, प्रवासी हमारे प्यारे हैं, हम भी देश में जाकर प्रवासी हैं। बहुत सारे पंजाबी बाकी देश में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर से आकर हमारे पंजाब में काम करते हैं। उन्होंने राजमिस्त्री, फैक्ट्रियों में, कहाँ कहाँ बहुत अच्छा काम, और खेतों में हमारी खेती को उन्होंने कामयाब किया है। सो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि केजरीवाल
जैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर मत देखें। ये लोग पंजाब में अराजकता फैलाने आए हैं और प्रवासी पंजाब में विकास के लिए आता है। धन्यवाद। मर्दाना कमजोरी और उससे मुतालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारे वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। Twitter और Instagram पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com